ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्वरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, तारा को ज्ञान का उपदेश दिया और इसके बाद भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहते हैं। कहते हैं अब तुम राजपाट करो, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। और उस प्रवर्षण पर्वत पर देवता लोग पहले ही पहुंच गए हैं और उन्होंने विचार किया कि भगवान को यहाँ पर अब निवास करना है, तो यहाँ तो कोई घर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो देवताओं ने एक अच्छी सुंदर एक गुफा को वहाँ पर कहते हैं बनाया है। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखे और रुचिर बनाई, उस गुहा को अच्छे से बनाया और वहां पर भगवान जो है रहने लगे। अब कहते हैं ये प्रवर्षण पर्वत क्या है, तो किसी ने कहा जहां पर वर्षा होती है, भक्ति की ज्ञान की वर्षा होती है। अब आगे जो वर्णन है वो प्रकृति का वर्णन है और भगवान जो है प्रकृति को देखते तो हैं लेकिन प्रकृति में छिपे हुए मैसेजेस जो संदेश है उसको भी देखते हैं। हम लोग केवल प्रकृति का आनंद लेते हैं लेकिन उन दृश्यों में भी कुछ विचार है, ज्ञान है, सूत्र है, कुछ संकेत है, वो हमारे अंतःकरण में नहीं जाते। लेकिन यहां पर भगवान ने जब इस प्रकृति को देखा तो उनको इतने बड़े बड़े विचार और संदेश समझ में आ रहे हैं। हम सब लोगों के लिए वो कहते हैं कि आप देखिए इस जगत को लेकिन जगत में देखने की दृष्टि सुंदर होनी चाहिए तो जगत सुंदर दिखेगा। आइए पहले देखते हैं भगवान उस प्रकृति में क्या क्या देखते हैं। तो ये 12वें दोहे के बाद है। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुपनिकर मधुलोभा कंदमूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जबते प्रभु आए देखी मनोहर शैल अनुपम रहे तहा अनुज सहित सुर भूपम मधुकर खग मृग तनुधरि देवम करहि सीतम मुनि प्रभु के सेवम मंगल रूप भयउवन तबते कीन निवास रमापति जबते फटिक शिलाति शुभ्र सुहाई
सुख आसीन तहां दो भाई। कहते हैं पूरा वन सुंदर है, अत्यंत कहते हैं फूलों से सुशोभित है, मधु के लोभ से वहां भौरे जो है वो गुंजन कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। और यह वर्णन है जब से भगवान वहां पर आए हैं उस वन की शोभा और सौंदर्य उसमें चार चांद लग गए, और अधिक वो सुंदर हो गई। पहले ही प्रकृति सुंदर है और जब भगवान उसमें आ जाए तब फिर क्या कहने, कहते हैं सोने में सुहागा। तो मराठी में कहते दुग्ध शर्करा योग। तो भये बहुत जबते प्रभु आए, जब से प्रभु आए हैं, अरण्यकांड में वर्णन है कि जबते राम की नतः वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब से भगवान जंगल में रहने लगे सबके मन प्रसन्न हो गए, जो बेचारे त्रस्त थे, परेशान थे, ऋषि मुनि लोग सब आनंदित हो गए, और पशु पक्षी नदी पहाड़ सब पूरी प्रकृति बोले हमारे अब स्वामी आए हैं तो अब डरने की क्या बात। ये तो रावण ने आतंक बचाया था। यहां पर वर्णन है कंद मूल फल पत्र सुहाए, कंद मूल फल पत्ते ये उस वन की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और वो वन कैसा हो गया, मनोहर। मनोहर शब्द बड़ा अच्छा है, जो मन का हरण कर ले उसको कहते मनोहर। मनोहर दृश्य देखा, मनोहर कहते हैं ना फूल को देखा, पेड़ को देखा, तो जो मन को खुश करे। तो भगवान जो है इस तरह से वहां रहने लगे। और मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, कहते हैं कि जो मधुकर मतलब भौरे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, हाँ ये सब कौन बने हुए हैं, तो बोले ये सब देवता लोग हैं। देवता लोगों ने पशु पक्षियों का शरीर धारण किया और जो है वो वहां सेवा करने लगे भगवान की। सेवा में है ना आनंद मिलता है, सेवा देने में आनंद मिलता है, हमको सेवा लेने में आनंद आता है, लेकिन वास्तव में आनंद तो देने में ही मिलता है। तो कहते हैं कि वो सेवा करने लगे और मंगल रूप भयो बन तबते कीन निवास रमापति जपते। जब से भगवान ने वहां निवास किया तो मंगल रूप हो गया है। और कहते हैं एक वहां पर एक सुंदर स्फटिक शिला थी, उज्जवल शिला, उसके ऊपर दोनों लोग सुख से रहते हैं। और देखिए अब बड़ा अच्छा वर्णन है कि राम जी और लक्ष्मण जी उस वन में रह तो रहे हैं, लेकिन ऐसे रोते रोते नहीं रह रहे, मालूम नहीं कहाँ भटकना पड़ रहा है, सर्दी गर्मी बारिश झेलनी पड़ रही है, ये मालूम नहीं माताजी ने क्यों वचन दिया, पिताजी ने हमको यहां भेज दिया। बोले जो परिस्थिति है, जो प्रारब्ध है, वो हमको उसमें आनंद से रहना है, रोते रोते क्या रहे। तो कहत अनुज सन कथा आने का, भगवान जो है अपने भाई के साथ कथा कहते हैं, किसकी कथा, पुराणों की कथा, फिर इतिहास की कथा, फिर यहाँ लिखते हैं भगति वीरति नृपनीति विवेका, भक्ति की चर्चा करते हैं, वैराग्य की चर्चा करते हैं। एक श्लोक हमने अनेक बार आपको बताया है, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय तो निद्रा सोने में जाता है, या व्यसन टाइम पास कर रहे हैं, व्यसन में ताश खेल रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं, शुक्रवार की शाम को बैठते हैं, रविवार की शाम को उठते हैं, व्यसन।
और नहीं तो फिर क्या झगड़ा। तो जो लोग राजसिक तामसिक लोग हैं उनका तो समय फालतू की चीजें व्यर्थ की चीजों में जाता है, लेकिन जो सात्विक लोग हैं उनकी तो उनका समय सत्संग चिंतन चर्चा, तो यहां इस तरह चर्चा करते हैं। अब कहते हैं वर्षा काल मेघ न बछाए, भगवान जो है वहां रहते हैं और बारिश के दिन आ गए हैं। बारिश में मेघ काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर वहां आने लगे और गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल मेघ न बछाए, गरजत लागत परम सुहाए, लक्ष्मण देखो मोर गना नाचत बारिद पे की, गृही बिरति रत हर्ष जसा विष्णु भगत कहु दे, लक्ष्मण देखो मोर गना। भगवान एकदम बादलों की ओर देख के लक्ष्मण जी को कहते देखो देखो झुंड के झुंड ये बादल आ रहे हैं और ये बादल जब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो मोर है मयूर नाचते हैं, मयूर उसको देख के प्रसन्न होते हैं। अब ये एक दृश्य है, घुमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं। अब एक सामान्य ये दृश्य है बारिश में दिखता है, लेकिन भगवान कहते हैं ये तो ऐसा लग रहा है मानो गृही बिरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूं देखी। बोले ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई गृहस्थ हो और वो विरक्त हो भक्त हो और वो यदि किसी विष्णु जी के भक्त को देख ले संत को वैष्णव को तो कैसे आनंद से नाचने लगता है। संत एति घरा तोची दिवाली दसरा, तुकाराम महाराज ने कहा उसको लगता है आज ही दिवाली है आज ही दसरा है दशहरा। वो दशहरा दिवाली उसी को मानता है जब संत का दर्शन होता है संत का आगमन होता है। बोले इससे बढ़िया और आनंद की चीज क्या, दशहरा दिवाली क्या होता है तो उसमें व्यक्ति नए कपड़े पहनता है मिठाई बनाता है प्रसन्न होता है खूब, रोज से हट के वो दिन होता है। लेकिन बोले वो टेम्पररी सुख देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब संत पधारते हैं ओ, उनका दर्शन उनका सानिध्य और उनके आशीर्वाद वो तो बोले व्यक्ति को शाश्वत सुख देते हैं। इसलिए दशहरा दिवाली से ज्यादा आनंद किसका, तो बोले संत मिलन का, संत मिलन सम सुख जगनाही। तो यहां पर कहते हैं कि हाँ वो लेकिन वो गृहस्थ व्यक्ति थोड़ा विरक्त होना चाहिए भक्त होना चाहिए तभी वो वैष्णव को देख के संत को देख के नाचेगा खुश होगा, नहीं तो जिसमें कोई भक्ति नहीं वैराग्य नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार घर में जाते हैं ना कोई स्वामी जी वगैरह जिन लोगों की भक्ति होती है वो तो बहुत एकदम एक्साइटेड होते हैं, बहुत उत्साह होता है उनमें क्या करूं क्या ना करूं, और वहीं उसी घर में दूसरे लोग होते हैं उनको कोई लेना देना वो अपने बैठे अंदर। जिसके मन में हाँ थोड़ी भक्ति इत्यादि नहीं है उसको आनंद नहीं आएगा। तो मोर जैसे नाचते हैं ऐसे इनका मन मयूर नाच रहा है, तो ऐसे ये सद्गृहस्थ लोगों की यहाँ पे चर्चा की। अब देखिए नजरिया देखने की दृष्टि, दृश्य एक होता है लेकिन दृष्टि सबकी अलग होती है। अब कोई सामान्य व्यक्ति होगा वो मोर के नाच को ही देखेगा और उसी का आनंद लेगा, कोई कवि होगा तो उसमें कोई कविता कर देगा, कोई चित्रकार होगा तो वो चित्र बना लेगा, और जो
पक्षी प्रेमी होते हैं, हम दूरबीन लगा के वो पक्षी देखते हैं, तो वो उसको देखेगा, लेकिन भगवान तो यहां पे कुछ अलग ही देखते हैं। तो ये दृष्टि अलग है। हमको यदि उच्च दृष्टि चाहिए तो फिर शास्त्र की जरूरत है। शास्त्र ही हमको ये बताता है कि आपको जगत में कैसे देखना है, क्या देखना है। देखिए, जो आंख के डॉक्टर होते हैं वो आंख की खराबी को दूर कर देते हैं, औषधि देके। नजर की तो दवाई होती है, मतलब नजर मतलब आंख। लेकिन जो नजरिया है, देखने का जो कोण है, दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, हाँ, उसके उसको डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। बोले हम आपकी आंख अच्छी कर सकते हैं, बस देखने का उपकरण ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस उपकरण के थ्रू क्या देखना है, कैसे देखना है, हाँ, उसके लिए तो फिर शास्त्र है। अब यहां पे प्रकृति का सारा वर्णन है और हर एक दृश्य में भगवान एक एक संदेश देखते हैं। ज्ञान भक्ति से भरा हुआ ये पूरा प्रसंग है। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो बोले घन घमंड नव गरजत घोरा, जो है बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। तो भगवान लक्ष्मण जी को कहते हैं, अरे मेरा मन बड़ा डर रहा है, सीता जी साथ में नहीं है ना, सीता जी साथ में होती तो मैं कहता देखो देखो कैसे बादल गरज रहे, लेकिन अब उनके बिना तो मैं जैसे अकेला हूं। अपने प्रिय व्यक्ति के बिना हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं और वहां आनंद नहीं भय होता है। तो भगवान ये दिखा रहे हैं और यहां कहते हैं कि जब वो बिजली चमकती है तो बिजली चमकती है एक कुछ सेकंड के लिए। दामिनी दम कर रहिन रहन घन माही, ज्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे वो कैमरे का एक फ्लैश होता है, वो चमकता है, जब तक वो चमकता था तो स्माइल, हंसने को कहते हैं मुस्कुराने। कोई कोई लोग उसी फ्लैश के समय ही आंख बंद कर लेते हैं, उनका भी ध्यान कहीं और होता है तो फोटो बिगड़ जाता है। तो कहते हैं वो कितनी देर तक होता है, कुछ सेकंड के लिए। बोले ऐसे ये बिजली भी कुछ क्षण के लिए रहती है। तो उसको देख के भगवान को याद आ रहा है क्या, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बोले जो दुष्ट लोगों का प्रेम होता है वो बिल्कुल ऐसा ही क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। थोड़ी परिस्थिति बदली, थोड़ी उनको कुछ बुरा लग गया तो प्रेम जो है हरिओम, प्रेम गायब हो जाता है। तो फिर यही सिद्ध होता है कि वो प्रेम किसी कारण से था, वो कारण हट गया तो प्रेम चला गया। धन के कारण कोई प्रेम कर रहा है, धन नहीं है तो प्रेम नहीं, इसका मतलब हमसे प्रेम नहीं था, धन से प्रेम था। तो बोले जो खल लोग होते हैं, ऊपर से तो दिखाते हैं कि हम आपके बड़े प्रेमी हैं, लेकिन उनका प्रेमास्पद कुछ और ही होता है। तो बोले इस तरह से बिजली में उन्होंने खल का जो प्रेम है उसको देखा। फिर आगे कहते हैं खूब जोर से बारिश होने लगी। जब बारिश हो रही तो क्या हुआ, बूंद अघात वर्ष ही जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज से, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जसु थोरे ही धन खल इतराई। भूमि परत भाम ढावर पानी, जनु जीवै माया लपटानी, जनु जीवै माया पटानी। वर
शही जलर। बोले देखिए वर्षा ऋतु जब होती है तो बादल जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, अपने घर में घुस जाते हैं। पहाड़ों पे जिन लोगों के घर होते हैं लगता है बादलों के बीच जो है वो घर बसा है। तो पूरे वाटर जिन्हें पानी होता है, वाटर बेयरिंग क्लाउड, वो नीचे नीचे आ गए हैं, बिल्कुल पृथ्वी के नीचे हैं। कितना सुंदर है यहाँ। भगवान इस दृश्य को देखते हैं और कहते हैं अरे ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे विद्वान लोग विद्या को पाकर नम्र हो जाते हैं, जैसे उस बादल में क्या है पानी है वैसे विद्वान के पास ज्ञान है। वो ज्ञान के कारण एरोगेंट नहीं होते, अभिमानी अहंकारी नहीं होते, बल्कि झुक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, कड़क नहीं होते, कठोर नहीं होते। जैसे बादल भारी हो गए तो नीचे आ गए। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या ददाति विनयम्। यदि वास्तव में किसी ने विद्या ग्रहण की है तो वो विनम्र हो जाता है। और कहते हैं ये विद्या विनयेन शोभते, विद्या जो है वो विनम्रता से ही सुंदर दिखती है। विद्या हो लेकिन अभिमान हो तो लोग कहते हैं अरे मालूम नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, हम इनसे बात नहीं करेंगे, बहुत घमंडी है अब कहते हैं। लेकिन विद्या यदि मिल जाए तो विद्वान लोग जो सात्विक लोग होते हैं वो तो विनम्र होते हैं। रावण को विद्या मिली तो और ज्यादा अहंकारी हो गया और अपने विद्या का प्रदर्शन कर रहा है, विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन विद्वान लोग तो सात्विक लोग विनम्र होते हैं। फिर क्या देखा भगवान ने कि बहुत जोर से बारिश हो रही है और पर्वत है, प्रवर्षण पर्वत पे है। तो पर्वत पे जब बारिश हो रही है तो पर्वत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जस का तस अडिग अचल, इसे लिखते हैं बूंद आघात सहई गिरी कैसे। बूंद की आघात, हाँ, मतलब वर्षा का जो आघात हो रहा है, टोरेंशियल रेन, मूसलाधार वर्षा हो रही है, लेकिन पर्वत स्थिर खड़ा है अचल। अब ये दृश्य है, इस दृश्य को देख के भगवान क्या कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खल के वचन संत सहज, जैसे जैसे दुष्ट लोग होते हैं वो मालूम नहीं क्या क्या बोलते हैं संत लोगों को, गालियां तक दे देते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, व्यंग्यबाण मारते हैं, उपहास करते हैं। लेकिन जो संत है वो शांत बने रहते हैं, अचल बने रहते हैं, उनके ऊपर कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती। इसने गाली दी तो हम भी गाली दें, इसने कुछ अपशब्द बोले हम भी बोले, वो सब सहन कर लेते हैं। संतों की पाचन शक्ति बहुत बढ़िया होती है, सबको पचा लेते हैं और वो उसको ऐसा कुछ ट्विस्ट दे देते हैं, उसमें कुछ अच्छा ही देख लेते हैं और प्रसन्न रहते हैं। अपने जितने भी संत हुए हैं उन सारे संतों के जीवन में ये घटना घटी हुई है। संत एकनाथ महाराज हो, तुकाराम महाराज हो, ज्ञानेश्वर हो, नामदेव जी हो, कोई भी आप तुलसीदास जी देख लीजिए, कबीरदास जी, ऐसे कौन है जिनकी निंदा नहीं हुई, मीराबाई को देख लीजिए। लेकिन मीरा हो गई मगन, तो मगन रहे। तो बोले यहां पर लिखते हैं अचल रहते हैं, सहन कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में एक भिक्षु गीत आता है, भिक्षु गीत, यहां पे एक भिक्षु है विरक्त है, उसके ऊपर लोग क्या क्या नहीं करते, कोई थूक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई धूल डाल रहा है,
लेकिन उनका वैराग्य इतना पक्का है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वो कहते हैं नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारणमा मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। बोले जीवन में सुख दुख जो मिलता है वो न किसी व्यक्ति के कारण, न ग्रह के कारण, न काल के कारण, न देवता के कारण, ये तो मिलता है अपने मन के कारण। मन परम कारणमा मनंती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन दृढ़ होगा तो ये निंदा स्तुति इत्यादि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संत लोगों का एक अलग ही लेवल होता है, सामान्य व्यक्ति वो पहुंच नहीं पाता। संत जो है वो सहन कर लेते हैं, सहने का नाम ही साधना है ऐसा कहते हैं। शीतोष्ण सुख दुखम गीता में आता है, तान तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व सहन करो। अपने वेदांत में भी एक षट संपत्ति में एक गुण आता है तितिक्षा, सहन करने की सामर्थ्य। तो बोले ऐसे ये संत हैं। फिर अचानक भगवान ने क्या देखा, क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, छोटी छोटी नदियां थी और अब बारिश हुई तो क्या हुआ, बारिश के कारण उन नदियों में खूब पानी भर गया। और पानी भर गया तो जो किनारे थे वो किनारे टूटने लगे और जो है वो इधर उधर इधर उधर भाग रही है वो सारी नदियां, और अपने आप को बता रही कि हम भी कोई कम नहीं है। हाँ, थोड़ा गर्व है उनमें। अब इस दृश्य को देखा तो भगवान ने देखी क्या उनको मैसेज मिलता है, बोले जस थोरे हु धन खल इतराई, बोले ये नदियां थोड़ा पानी क्या आ गया बारिश का तो ऐसी इतरा के चल रही है जैसे कोई व्यक्ति है उसको कोई लॉटरी खुल गई, ओ करोड़ों रुपए एकदम मिल गए तो ऐसा वो नए नए सब गाड़ी ले लेता है, घर ले लेता है और ऐसा इतरा के चलता है। इतरा ना, हाँ मतलब उसको थोड़ा गर्व आ जाता है। देखो दो तरह के रईस होते हैं, एक तो खानदानी रईस होते हैं, उनका पहले से इतना धन होता है कि उनके लिए बड़ी सामान्य चीज होती है। लेकिन जो एकदम गरीब है और उसको बहुत शेयर मार्केट में उसने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, खूब पैसा मिल गया, ओ नए कपड़े सब नया नया और ऐसे दिख रहा था दिखाता है जैसे बस मैं कोई कम धनी नहीं हूं। बिल्कुल तो प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है, ये नदियों में भी थोड़ी देर के लिए पानी आया है, शेयर मार्केट में कभी कभी ये भी हो जाता है क्रैश हो जाता है सब धन गया। तो कहते हैं जब पैसा आ जाता है तो एकदम इतरा के चलते हैं, बोले ऐसी ये नदी है। फिर यह वर्णन है भूमि परत भा ढाबर पानी, अब पानी जब बारिश गिरती है मिट्टी में पानी गिर रहा है पृथ्वी पर जमीन पर, तो वहां जो मिट्टी है वो मिट्टी और पानी का जब संयोग होता है तो कीचड़ बन जाता है। जो पानी शुद्ध था वो पानी अशुद्ध हो गया, वो कीचड़ का रूप वो वहां पे दिखने लगता है, तो वो धूल में पानी लिपट गया तो वो कीचड़ हो गया। बोले ऐसे ही जैसे पानी गंदा हो गया, पानी जब गिरा तब तो कैसा था, शुद्ध था, लेकिन वहां पर जमीन पर गिरते ही अशुद्ध हो गया। बोले ये ऐसे ही है जैसे जनु जीव ही माया लपटानी, बोले ये ऐसे ही है जैसे जीव जो है वो माया के द्वारा क्या होता है लिपटा जाता है, माया से वो आवृत्त हो जाता है घिर जाता है, है वो शुद्ध जीव वास्तव में तो आत्मा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, लेकिन जब माया के साथ उसका संयोग होता है
तो वो तो फिर अशुद्ध हो जाता है। सुग्रीव की भी यही स्थिति थी, जब भगवान से मिला तो देखो उसका मन कितना शुद्ध हो गया, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, सब सपने की तरह है, बस अब मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूं। लेकिन जहां उसको कुर्सी मिली, जो भगवान का रस था वो तो चला गया, कुर्सी में रस मिलने लगा उसको। यही है माया लपटानी। जब बच्चा जन्म लेता है देखो तब एकदम भोला भाला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी आयु बढ़ती है, हाँ, माया अपना घेरा डालती है उसको और सारे उसमें फिर दोष आने लग जाते हैं। तो बोले ये देखिए, भगवान को इसमें जीव और माया दिख रही है। फिर अचानक भगवान ने देखा कि एक तालाब है और तालाब में क्या हो रहा है, चारों ओर से पानी उसमें समा रहा है, एकत्र हो रहा है, क्योंकि तालाब में तो गड्ढा होता है और पानी का स्वभाव है नीचे नीचे जाना, तो समिटी जल भर ही तालाब सिमट रहा है, सारा जल वहां एकत्र हो रहा है तालाब में। तो बोले ये ऐसा ही लग रहा है जैसे, क्या सुंदर है, देखिए विचार हो तो ऐसे, हमने तो केवल उसका आनंद देते, देखो देखो कैसे पानी वहां इकट्ठा हो रहा है। भगवान को याद आ रही है किसकी, सज्जन लोगों की, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। बोले जैसे सज्जन व्यक्ति के पास सारे गुण एकत्र हो जाते हैं, ऐसे ही इस तालाब में पानी एकत्र हो रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यदि हम सज्जन बन जाए तो अपने आप सारे सद्गुण वहां आने लगते हैं। कहते हैं वो सद्गुण, बोले ये हमारा सुरक्षित आश्रय है, यहां पर रहने में हमको आनंद है। दुर्जन के अंदर सद्गुण जाते हैं तो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं, बोले हमारा ये दुरुपयोग कर रहा है। दुर्जनों में भी कुछ गुण होते हैं लेकिन वो गुणों का दुरुपयोग करता है। किसी में तप करने का गुण है लेकिन वो तप कर रहा है किसके लिए, दूसरे को मारने के लिए होता है ना। विचार करने का गुण है लेकिन उसके विचारों की दिशा एकदम नेगेटिव है। तो ये सारे सद्गुण जब सज्जन में रहते हैं तो बोले यहां पे हमको शांति मिलती है और यहां पे हमारा अच्छा उपयोग भी होता है। भगवान श्री राम सज्जन है, उनमें गुण ही गुण है, 60-70 गुणों का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। तो हम चाहते हैं हमारे में गुण आ जाए तो बोले बढ़िया, अपना व्यक्तित्व बनाए, अपने आप सब गुण आएंगे। और फिर यहां कहते हैं एक तरफ तो तालाब है, दूसरी तरफ नदियां हैं। भगवान उस वन में बहती हुई नदियों को देखते हैं तो कहते हैं अरे ये देखो नदियां कैसी भाग रही है। नदी कहते ही उसको है जो भागती है, जो खड़ी है उसको कहते हैं तालाब। तालाब एक जगह है, नदी प्रवाहमान है, दोनों पानी के ही रूप हैं। देखिए एक ही पानी होता है, उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको बोल देते हैं जलप्रपात, हाँ, वाटरफॉल, और नीचे से ऊपर जाता है तो उसको बोल देते हैं फव्वारा, फाउंटेन। जब बह रहा है तो नदी, स्थिर है तालाब। भगवान के चरणों में जब जल को चढ़ाते हैं और तब हम लेते हैं तो वो बन जाता है तीर्थ, चरणों तक कहते हैं उसको। एक ही पानी के अलग अलग रूप है, आंख में से पानी आता है तो उसको बोल देते हैं आंसू। तो यहां पर कहते हैं कि ये नदियां जो है जा रही है, भाग रही है। अच्छा ये कब तक भागती है, तो बोले जब ये समुद्र में मिल जाती है तब तक। समुद्र में मिलने के बाद उनकी जो गति है वो शांत हो जाती है। अब भगवान ने ये दृश्य देखा, गंगा गंगा सागर में मिल रही है, नर्मदा जो है वो भी भड़ोच में जाके मिल रही है, उधर भरूच में।
तो स्थिर हो गई। तो बोले ये देखकर हमको ऐसा ही लग रहा है, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। बोले जैसे जीव जो है वो जब शिव को पाले जाता है तो अचल हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, जब तक जीव परमात्मा से मिलता नहीं तब तक चंचल रहेगा, परेशान रहेगा, अशांत रहेगा, विक्षिप्त रहेगा। जैसे ही मन भगवान से एक रूप हो गया, मन हो गया स्थिर शांत अचल। काहे को फिरत मन करत बहु जतन। विनय पत्रिका में गोस्वामी कहते हैं, अरे बाबा अरे मन, तू क्यों इधर उधर भटक रहा है, जब तू भगवान से मिल जाएगा तो तेरा भटकना बंद हो जाएगा। मुंडकोपनिषद में भी आया है, बिल्कुल यही उदाहरण है। यथा नद्य संध्यमाना समुद्रे स्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। बोले जब ये नदी समुद्र में मिल जाती है तो अपने नाम रूप को विलीन कर देती है। समुद्र में मिलने के बाद गंगा यमुना सरस्वती कुछ दिखता नहीं, पानी पानी पानी। ऐसे ही ये जीव जब शिव से मिल जाता है तो इसका नाम रूप गुण दोष हाँ सब चीज विलीन हो जाती है और वो अचल हो जाता है। तो इस तरह यहां पे भगवान ने जीव की अंतिम गति क्या है ये बता दी इस उदाहरण के माध्यम से। और एक और देख लेते हैं, हरित भूमि तृण संकल समुझ परई नहीं पर। अब आपने देखा होगा बारिश में इतनी घास पात इतनी आ जाती है, उग आती है कि जो पगडंडियां हैं रास्ते हैं वो दिखते नहीं, सब हरा हरा हरा, रास्ता ही नहीं सूझता। तो कहते हैं ये ऐसे ही हो गया है, जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल और आज के समय को देखकर ये उदाहरण है। बोले जिमी पाखंड वादते गुप्त होई सदग्रंथ। जैसे उस घास के कारण रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसे ही पाखंडवाद के चलते जो वास्तव में सदग्रंथ है, सदग्रंथ का जो वास्तविक उपदेश है वो तो कहां लुप्त हो गया मालूम ही नहीं। अब संत के वेश में दूसरे लोग भी आ गए हैं, वो अपनी ही बात सुनाते हैं और कहते हैं शास्त्र ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, ओरिजिनल शास्त्र पढ़ाते ही नहीं है और अपनी बात को शास्त्र का ये मत है ऐसा कह के व्याख्या करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को सही रास्ता मिलता नहीं, सही उपदेश सही ज्ञान मिलता नहीं कि क्या है वास्तव में। ये जो कह रहे हैं ये है कि जो गीता में लिखा है वो है। तो गुप्त हो ही सदग्रंथ, और लोगों को इसी में ज्यादा अच्छा लगता है कि ये मेरा ओरिजिनल है, गीता का रामायण का महाभारत का नाम नहीं लेंगे। बल्कि होना तो यही चाहिए कि ये गीता प्रमाण है और हम प्रमाण के अनुसार बोल रहे हैं, ये कोई हमारा व्यक्तिगत मत नहीं है। विद्वान लोगों में ऐसे व्यक्ति का ही आदर होता है जो शास्त्र की बात बोलता है, अपनी व्यक्तिगत बात नहीं। तो बोले यहां पर भगवान को याद आ रहा है कि ये सद ग्रंथ देखिए धीरे धीरे लुप्त ही होते चले जा रहे हैं, लोग अपने से ही ग्रंथ लिख रहे हैं, जो मूल ग्रंथ है उसको भूल गए हैं। तो इस तरह यहां पे प्रकृति की हर छटा में हर दृश्य में भगवान कुछ न कुछ एक विचार हमको दे रहे हैं। आगे और भी है, उसको देखेंगे अगले प्रवचन में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you.